अरविंद ओझा बने रहेगा हमारे साथ, चित्रा त्रिपाठी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हमारे साथ मौजूद हैं, जहां बताया जा रहा है कि रिया के वकील भी पहुंच जाएंगे अभी, क्योंकि रिया की पेशी होगी अदालत में 7:30 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी, जिसमें अरविंद ओझा बड़ी खबर दे रहे हैं कि रिमांड नहीं मांगा जाएगा। श्रेय नारायण अभिनेता हमारे साथ है, मानवी तनेजा हमारे साथ है, वो अभिनेत्री है, एलन राव हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नासिर अब्दुल्ला अभिनेता हैं, उरुषा पांडे हमारे साथ हैं, आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं वकील हैं, विकास गुप्ता हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले मानवी तनेजा, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इंसाफ के लिए आप आवाज उठाती रही, मानवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अभी, अपने दर्शकों को बता दें कि मानवी तनेजा लगातार पिछले कई दिन से आवाज उठाते रहे। श्रेय नारायण, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, श्रेय नारायण, रिया की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं? हालांकि गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हुई है, सुशांत की हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं है? सुशांत की हत्या का अगर ड्रग्स से लेना देना है तो रिया की क्वेश्चनिंग से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो इस सांठगांठ को सबके सामने लाएगी। और उनका जो उन्हें अरेस्ट किया गया है सेक्शन 29 में, जो अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन है, साथ ही साथ जो आपने कहा कि रिमांड नहीं मांग रही है एनसीबी, इसका मतलब व्हाटएवर क्वेश्चनिंग दे हैव डन, there is nothing left to question, they have all the material which is possible, so they have gotten all the material, they have gotten names of 25 Bollywood people, they have gotten the connections, so sirf Dipesh or Shovik or Samuel ne bhi wahan pe unki madad ki, aur 70 deleted chats hain, Shovik ka confession hai, Riya aur Shovik ke chats hain, bahut sari laptop phone सब चीजों का ये मिश्रण है कि आज उन्हें अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि रिमांड नहीं चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, ये कल्पेबिलिटी दिखाती है। तो यस, जो लोगों ने ये मुहिम छेड़ी थी शुरू से, जो लोगों ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था इन्वेस्टिगेशन, तो जो मुहिम छेड़ी है उसका ये फर्स्ट विक्ट्री है कि अभी धीरे धीरे लोग जो हैं, जो उस केस से जुड़े हुए थे, वो सामने हमारे आ रहे हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी कल्पेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है, और इनकी क्वेश्चनिंग से हमें और भी चीजें आगे मिलेंगी। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ के। विकास गुप्ता, दुखी तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें तो कुछ बनता नहीं, इसमें तो ड्रग्स तो मिली नहीं रिया के पास से, जब ड्रग्स मिली नहीं तो फिर गिरफ्तार किस बात का करेंगे, आज तो गिरफ्तारी हो गई। दो बातें रोहित जी, मैं कहूं, मैं एज अ डिफेंस लॉयर बहुत ज्यादा अरेस्ट को और नहीं अरेस्ट को मैं कुछ बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि अरेस्ट करना प्रेरोगेटिव है। अभी आपने कहा, मैंने तो उनकी रिमांड एप्लीकेशन तो देखी नहीं है और कौन से सेक्शन में, लेकिन जो अभी सिर्फ टीवी पे सुना है कि 29 में वो कॉन्स्पिरेसी में कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी की अगर कॉन्स्पिरेसी भी है तो भी वो ऑफेंस स्मॉल क्वांटिटी का ही आता है। लेकिन आजकल हालात ये है कि आप रिमांड एप्लीकेशन में तो क्वांटिटी लिखते नहीं हो, और मैं जज के विजडम पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जज को आप केस डायरी दिखा करके रिमांड ले लेते हैं या जुडिशियल रिमांड ले लेते हैं। तो भाई बड़ा अद्भुत केस है कि जहां पे स्मॉल क्वांटिटी के केस को एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल देने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा नहीं है कि हमने 85 केस देखे हैं जहां एनसीबी और डीआरआई इन एंगल्स को लेके आती है लेकिन कोर्ट में स्क्रूटनी के वक्त खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, अगर किसी जो चैट्स ईडी ने कुछ सिलेक्ट मीडिया चैनल्स को लीक करी थी, वो सारी की सारी चैट्स रोहित जी सिर्फ एक पट्टे उंगली इशारा करती थी स्मॉल क्वांटिटी की तरफ, और स्मॉल क्वांटिटी सिर्फ 6 महीने तक की सजा है या फाइन है। लेकिन आप अगर जुडिशियल रिमांड में भेजने के लिए आप अपनी केस डायरी पे कॉन्स्पिरेसी का एंगल, एक बहुत बड़ा एंगल दिखाना चाहें, उसके लिए कोई रोक तो सकता नहीं है। और कोर्ट्स भी शुरुआत में कस्टडी या जुडिशियल रिमांड में भेजने को इसलिए नहीं होते, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए। अब देखने की गौरतमंद बात यह है कि क्या उनके वकील आज ही बेल लगाएंगे या कुछ एक दो दिन रुकने के बाद बेल लगाएंगे। आपको लगता है आज लगाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे प्यार करने की सजा, तो फिर यही सही? देखिए, अगर सिर्फ मीडिया की ट्रायल से अगर देश में सजाएं होने लग जाए, अगर देखिए अरेस्ट करना, मैं नाम नहीं मीडिया ट्रायल के इतने विरोधी हैं, लेकिन यहीं बैठ के इतने सारे केस आप लड़ चुके हैं,
कितनों में आपने देखा कि यहां से फांसी की सजा हो गई किसी को, या कोई जेल चला गया यहां रोहित सरदाना के कहने से? नहीं गया ना सर, आप भी जानते हैं उस बात को। फिर बार बार उस चीज को घुमा के वहां ले जाते हैं जहां से आप कोशिश करते हैं कि एक एस्केप रूट पकड़ सकें। नहीं, मैं कोई एस्केप रूट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप देखिएगा जिस तरह से मेरे मुझे लगता है तीन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था जो पेडलर्स भी थे उन तक को भी बेल मिल गई है। ये लोग तो सेल्फ कंजम्पशन या सुशांत की कंजम्पशन तक की लिमिटेड है, आप इस बात को समझिए। दे आर ऑन अ बेटर फुटिंग देन द पेडलर्स, जिन तीन पेडलर्स को ऑलरेडी बेल भी दे चुकी है मुंबई की सेशंस कोर्ट। विकास जी, ये साबित करना, अगर ये स्थिति आती है कि ये साबित करना कि सुशांत को ये लोग ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, सीबीआई की या एनसीबी की? अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रग्स अगर पोजेशन में मिलता है तो ओनर्स अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक। जब पोजेशन नहीं होता सेक्शन 54 का कल्पेबिलिटी का, तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूफ करना होता है। कुछ लोग यहाँ पे आकर के आपके चैनल्स पे और चैनल्स पे गलत कानूनी सलाह दे रहे हैं कि जी ये अक्यूज का ओनर्स है। अक्यूज का ओनर्स तब होता है जब उसके पोजेशन में से मिली जाती है, और इनमें से किसी के पोजेशन से कोई चीज बरामद नहीं हुई है। ठीक। उमाकांत मिश्रा जी, एनसीबी रिमांड क्यों नहीं मांगेगी, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है ना मांगने का रिमांड? देखिए रोहित जी, इसका तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन का जो गोल था या रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है। ठीक। क्योंकि वो कंटिन्यूसली तीन दिन उनको रखा गया और उनको घर छोड़ा गया, बार बार बुलाया गया, और इन्हीं बीच में जो व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी एक्यूज थे उनको रिमांड में लिया जाके उनसे कन्फ्रंटेशन किया गया, कोरोबोरेशन लिया गया, और ये सारे के लिए अभी इमीडिएटली और उनको रिमांड कंटिन्यूस ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। दूसरी और एक जो बड़ी वजह हो सकता है, देखिए 27-28 अगस्त का और आज के बीच में क्या फ़र्क क्या है, अभी जो स्मॉल क्वान्टिटी की बात हो रही है या पोजिशन की बात हो रही है, दो चीज़ें मैं अभी उसका एक डिफरेंशिया में न्यूएंस बताना चाहूँगा आपको कि 27-28 में बाकी जो ये लोग अरेस्ट हुए स्मॉल क्वांटिटी में उनको बेल मिल गया, लेकिन अभी दो दिन पहले जो अनुज केसवानी का जो सीजर हुआ जिससे कंटैक्ट में कैजान के रेफरेंसी में जो इनको पकड़ा गया, उनके पास जो ड्रग्स के सीजर हुए वो डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी में, पर्टिकुलरली जो LSD पकड़ा गया, जो बताया जा रहा है कि 0.61 ग्राम्स पकड़ा गया है वो कमर्शियल क्वांटिटी का है। अभी हाउ फार रिया का स्टेटमेंट में या बाकी सबका कोरोबोरेशन में उसका लिंक बन पाया है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो बेल बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए शायद उनके वकील ये कह रहे हैं कि भाई अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका तालुकात अगर कमर्शियल क्वांटिटी से बन जाता है, क्योंकि हम तो जानते नहीं एनसीबी का क्या बोला, रिया ने क्या स्टेटमेंट दिया या कायजान ने क्या स्टेटमेंट दिया, अनुज ने क्या दिया, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ये लिंक बनता है, क्योंकि बेसिकली आपको मानना पड़ेगा ये 29 का कंस्पिरेसी वाला एंगल है एंड एवरीथिंग इज माने सब कुछ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। अभी अगर लार्ज क्वांटिटी अगर कमर्शियल क्वांटिटी से इसकी तालुकात बन जाती है रेफरेंस तो बेल मिलेगा नहीं, तो इसीलिए बेल अप्लाई करने के लिए भी जरूरत नहीं है। ठीक। मानवी तनेजा, झगड़ा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण तक पहुंचने का कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, गिरफ्तारी हुई रिया की ड्रग्स के कनेक्शन में, आप लोग फिर भी खुशी मना रहे हैं कि रिया गिरफ्तार हो गई? हाँ जी, मैं तो खुशी मनाऊंगी बिकॉज अब रिया गिरफ्तार होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रिया एक प्राइम सस्पेक्ट है, शी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द होल क्राइम सीन, तो अब जब उसको अरेस्ट हुआ है शील बी आस्क्ड क्वेश्चंस और उसको सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो अब वो जैसे अरेस्ट हुई है तो अब 130 करोड़ की जनता को पता लगेगा कि एक्चुअल 14 तारीख को हुआ क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्या दुर्घटना उसके घर में हुई थी SSR के। और जब ये इसके भाई को अरेस्ट करा था शोविक चक्रवर्ती को, ये रो रो के फूट फूट के पागल हो गई, और जब SSR की डेथ हुई इसका एक आंसू नहीं निकला, आग से एक आंसू नहीं निकला, मतलब शी वॉज नॉट गिल्टी, मतलब वो दिखा रही है ऐसे कि कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत हो गया क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रिया के हिसाब से, अब कुछ एक्शन की बारी होगी और कुछ ना कुछ तथ्य जरूर सामने निकल के आएगा। अगर जमानत मिल गई कोर्ट से रिया को तब क्या कीजिएगा? तो दोबारा उसमें कुछ ना कुछ इंक्वायरी होगी बिकॉज ये तो चीज यहां खत्म तो होगी नहीं ना, यहां पे वो एक बार शुरू हो गया है, सीबीआई भी अपना काम कर रहा है, सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रहा है, तो ये चीज यहां खत्म नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं फिर कठेरे में आ जाएगी।
रवि जी, वो लिंक है हर जगह, आपको पता है दो डॉट्स हैं, वो दो डॉट्स को मिलाने में आपको ज्यादा देर लगेगी नहीं। बोलिए रवि जी, क्या बोल रहे हैं? आपके सामने अभी अभी बहुत से वकील जो है ना वो अपनी राय दे चुके हैं, जो अब तक 3 दिन की पूछताछ हुई है वो 67 सेक्शन में हुई है एनसीबी से, और वो इक्विवेलेंट माना जाता है 164th सीआरपीसी का मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो उसका बयान है 3 दिन के अंदर वो हो चुका है, इसलिए अब उसको रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेज जो है अब उसमें कुछ आगे बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आराम से उसमें देरी मिलेगी, क्योंकि जो सेक्शन लगाए गए हैं उनमें कुल सेक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ी सजा का प्रावधान भी इंक्वायरी कर रही है। मैडम आपको मैं सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है, मगर आप धीरे धीरे तथ्य बाहर आ रहा है ना, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है, हर चीज इंटर रिलेटेड है, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। अभी तक मुंबई पुलिस ने काम किया था, एक चीज बाहर आई है ना, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। लेट्स नॉट मानवी तनेजा, आप जब बोल रही थी उन्होंने केवल उंगली उठा के रखी कि इनकी बात खत्म हो तो मुझे बोलने दीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी आपत्ति आप रजिस्टर कराइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कीजिए रवि जी अपनी बात को, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जांच या ईडी की जांच को कौन रोक रहा है? जांच हो रही है, जांच जारी है, हमने तो नहीं कह दिया कि बारिश से बनी हुई है, वो जांच कर रही है, मगर इसको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो इसका लीगल एंगल है वो समझे, और जज्बातों के हिसाब से फैसला नहीं होगा इस केस के अंदर। जो बात आई है, मैं तो इस बात पे ज्यादा संतोष जाहिर कर रहा हूँ कि जो 20-25 कलाकारों के नाम बताए हैं वो पकड़े जाए, ताकि ये ड्रग माफिया डिमोलिश हो, जो पहले बताया वकील साहब। रवि जी पहले दिन आप इस बात पर थे, पहले दिन आप इस बात पर थे कि ये तो आत्महत्या है, ये कोई अजीब किस्म की रहस्यमय मौत नहीं है, इसमें फालतू में इधर उधर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 15 मिनट में तो मुंबई पुलिस ने साबित कर ही दिया है कि ये रहस्यमय मौत नहीं है, ये आत्महत्या है। उसके बाद आप इस बात पर हो गए कि रिया को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसके बाद आप इस बात पर आ गए कि मौत का तो एंगल ढूंढ नहीं पा रहे, ये तो ड्रग्स का एंगल ढूंढ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स में गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, ये तो 2 दिन में जमानत भी हो जाएगी। मैं बता दूं ये बता रहे थे शहजान के साथ से जो सस्पेंस बरामद हुआ है उसकी जो FIR है उसका नंबर ही अलग है, वो 16/2020 है, वो केस ही अलग है, उस केस के अंदर उसको चाहे फांसी हो चाहे 20 साल की सजा हो कोई इस केस के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस केस के अंदर सिर्फ 8 आदमी थे जिसमें 3 की जमानत हो चुकी है, और निश्चित रूप से चूंकि रिमांड नहीं मांगा गया है, रिया को भी जमानत निश्चित रूप से इस केस में मिल जाएगी। आशुतोष जी आप भी वकील हैं, जरा आप बताइए आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में होना, अभी तक उस ड्रग्स का मौत से किसी भी तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना होना, क्या ये एक सेलिब्रेशन की वजह हो सकती है उन लोगों के लिए जो रिया के पक्ष में बोल रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ये मीडिया ट्रायल की का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब रिया खुद आई थी और उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि मैंने एक भी ग्राम या कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग्स ना मैंने लिया है और ना ही मैंने किसी को दिया है, आज कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं वो गलत साबित होते हुए नजर आ रही हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिसमें उनका भाई शोविक चक्रवर्ती है और भी 8 अलग लोग हैं। इन सब के स्टेटमेंट को देखते हुए और जो व्हाट्सएप का जो चैट हुआ था रिया और मिरांडा और बाकी लोगों के साथ, उन सारे चैट को कोलेक्ट करते हुए ये चीज सामने आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ड्रग एंगल है। और जहां तक क्वांटिटी का बात है तो क्वांटिटी तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ये जो सेक्शन 20, 22, 27, 29 जो है NDPS का, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी भी है, उसके अंदर जो है क्वांटिटी, अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर हम पकड़े तो 20 साल तक की सजा है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करता है वो जो टोटल उसका क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से ड्रग्स का मामला, हाँ मैं ये मानता हूँ कि अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया है मौत से, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स का तो मौत से रिलेशन साबित हो ही रहा है ना, ये खुद ही बोल रहे थे कि वो
वो जो है डिप्रेशन में था, वो जो है ये दवा ले रहा था, वो दवा ले रहा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब पांच पांच डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये लोगों ने खुद कहा, तो उसको ड्रग्स की एडिशनली कहाँ से जरूरत पड़ रही थी, और उसको ड्रग्स कौन से दवा के रूप में दिया जा रहा था? इसका मतलब या तो पहले का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत था, जो कि बहुत ही क्लियर है, और जो भी मीडिया में कहा गया, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए मीडिया में कहा गया, क्योंकि एनसीबी ने जब अरेस्ट किया है तो एनसीबी ने बिना कोई पुख्ता सबूत के ऐसे तो कोई अरेस्ट करेगा नहीं, ठीक है। जहां तक बेल का सवाल है, तो जब तक, अगर आज ये जब इनका फर्स्ट अपियरेंस अभी होता है, उस अपियरेंस में अगर कोर्ट जो है पुलिस कस्टोडियल रिमांड ना दे करके, पीसीआर ना दे करके अगर एमसीआर देता है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी देता है, तो ही बेल का एप्लीकेशन फाइल हो सकता है, और उसके बाद उसके मेरिट पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली जी, ठीक, वापस आता हूँ सर आपके पास। लेकिन एलन राव साहब, एक आरोप ये भी तो है ना कि एनसीबी, डीआरआई, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, ये एजेंसियां अदालत में धराशायी हो जाती हैं, वो चीजें साबित नहीं हो पाती बहुत सारे मामलों में ज्यादातर। फिर देखिए रोहित जी, ये डिपेंड करता है हर केस के क्या मेरिट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा केस सक्सेस रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इस केस में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ईडी से शुरू होकर जो एविडेंस शुरू की गई थी मोबाइल फोन्स की चैट्स को लेकर, उसके बाद एनसीबी ने केस दर्ज करके, एनसीबी के पास पावर है, जो स्टेटमेंट्स एनसीबी किसी आदमी का, अक्यूज का लिखते हैं, एनसीबी है, कस्टम है, डीआरआई है, इन तीनों एजेंसीज के पास में ये पावर है, जो उनके स्टेटमेंट होंगी वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, और जो एविडेंस चैट के थ्रू है उनका एविडेंस अगर ओरिजिनल सोर्स मिल जाएगा और उसको 65B एविडेंस एक्ट की सर्टिफिकेट के साथ में अगर देंगे तो वो एडमिसिबल रहेगा कोर्ट में, अगर वो नहीं है तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रह राव जाएगी। राव साहब, राव साहब एक चीज बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं टीवी पर, सुन रहे हैं, उनको समझाने के लिए एक चीज बताइए, ड्रग मामले में रिया की गिरफ्तारी का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा? मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर बता देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया को कई बार इंटरोगेट किया जा चुका है। अगर उस टाइम पर ये रिया चक्रवर्ती कोई चीज छुपा रही थी या झूठ बोल रही थी उसका, और अब जो अरेस्ट होने के बाद में इसका, दोनों टाइम में फर्क है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, अभी वो डिमोरलाइज है अरेस्ट होने के बाद में, अगर कोई चीज पहले छुपा रही थी, झूठ बोल रही थी, तो अब हो सकता है सीबीआई के ऑफिसर्स इनको अगर इंटरोगेट करेंगे इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनको डाउट लगता है कि रिया छुपा रही है। तो अब मैं समझता हूं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो आदमी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है गिरफ्तारी के बाद, टूट जाता है, मोरल डाउन होता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस उनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इसको उसको केस को क्रैक करने के लिए नहीं, लेकिन लेकिन राव साहब, आपने एक तस्वीर अगर देखी हो, नासिर अब्दुल्ला आ गए उनके पास, चल रहा हूं, फिर उर्षा पांडे आपके पास आऊंगा। नासिर अब्दुल्ला, आपने तस्वीर देखी हो अगर, रिया चक्रवर्ती आज जब अरेस्टिंग के बाद बाहर निकली तो कैमरा को देख के हाथ हिलाया, इसके पहले वो हर बार मुंह छुपा के वहां से निकल जाने की कोशिश में थी, क्या ये दिखाता है कि वो टेंशन में, वो प्रेशर में है, वो दबाव में है, या फिर वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनके वकील बचा लेंगे उनको? नासिर अब्दुल्ला, ये तो उनके मानसिक, अपना डॉक्टर से या कोई ऐसा मानसिक डॉक्टर हो उससे एक्चुअली पूछना पड़ेगा, या जो साहब अभी बोल रहे थे कि वो डिमोरलाइज हो रही होंगी तो और इंफॉर्मेशन उगल देंगी, तो मैं इस इलाकों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर मैं उनकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसे हाथ अपना हिला देता, वो ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। असली बात तो ये है कि उनके पर जो आरोप था वो था 15 करोड़, मतलब ये कि सुशांत सिंह जी के उन्होंने चोरी किए हैं जो कहीं नहीं मिले हैं क्योंकि वो थे ही नहीं। दूसरी बात ये थी शायद उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो उनकी हत्या में, अगर हत्या हुई हो वो भी अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन अब जैसा कि ये जो साहब अभी बोल रहे थे कि अब जब फर्दर इंक्वायरी होगी क्योंकि एक इलाके में उनका झूठ जो है पकड़ा गया है, तो शायद और इन्फॉर्मेशन आएगा जिससे मालूम हो जाएगा कि भाई और कोई ऐसी बात है जो अभी तक वो एक्चुअली छुपा रही थी, और अब वो साफ आ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो असली चार्ज था फैमिली का वो ये था कि उन्होंने उनके पैसे हड़प किए हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। मानवी बोलिए, अब लड़ाई तो इसी बात की थी ना पहले दिन से।
नासिर जी, और ड्रग्स का एंगल तो आपने मेंशन ही नहीं किया, अब ड्रग्स की चैट भी आप क्यों करूं? ऊपर जाएंगे, जो उसने इंटरव्यू दिया था उसने क्लियरली बोला तो था कि नहीं, तो ड्रग्स का एंगल तो मेंशन हो गया ना, इंटरव्यू में उसने क्लियरली बोला है कि ड्रग्स की वजह से तो अरेस्ट हो रही है, सुशांत ड्रग्स लेता है, तो अभी ड्रग्स की तो उसमें फंसी है, वो ड्रग्स में ही तो वो फंसी है, ड्रग्स ही तो वो दे देती है, चैट उसका ड्रग्स का सारा भार में है, आप ड्रग्स के बारे में उसको छुपा रहे हैं, आप ड्रग्स के बारे में उसका कुछ भी एंगल खोल नहीं रहे हैं, आप ये बता दीजिए ना, ड्रग्स तो वो देती थी, ड्रग्स का नाम जिक्र हुआ है शोविक और रिया की चैट में, तो आप ड्रग्स को कैसे भूल सकते हैं, ये तो सबसे ज्यादा चीज है, इसी वजह से तो वो अभी अरेस्ट हुई है, ड्रग्स ही की वजह से तो अरेस्ट हुई है, तो आप उसका एंगल क्यों नहीं ले सकते, आप तो पैसों की बात कर रहे हैं, मानवी जी मेरा एक सवाल है, पैसों का भी खुलासा हो जाएगा, मानवी जी मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ पिछले 85 दिन से सबको, एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला, मेरा एक सवाल है, मतलब ये कि विकलांग थोड़ी है, कोई गुंगी थोड़ी है, आप ले लीजिए, मैंने दूसरा एंगल ले लिया, नहीं नहीं नासिर जी, नासिर जी, नासिर नासिर जी, नासिर जी एक सेकंड, मानवी मेरा एक सवाल है, झगड़ा नहीं, अच्छा झगड़ा नहीं ना, एक सेकंड मानवी, मानवी मेरा एक सवाल है, लड़ना नहीं है ना नासिर अब्दुल्ला, नासिर जी वो करिए, नासिर जी आप पागल है, आप नहीं, आप अपनी बात कीजिए, मैंने तो पागल आपको बोला नहीं, मैंने तो आपको पागल बोला नहीं, आप खुद पागल बोल रहे हैं अपने आपको, मैंने तो आपको बिल्कुल पागल नहीं बोला, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को कैसे छोड़ दिया, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जब हम सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम ड्रग्स को नहीं छोड़ सकते, अगर यही रिया का फोन उसी वक्त जब्त हो जाता तो बहुत जल्दी पता लग जाता, एक दिन में खुलासा हो जाता ड्रग्स का, क्योंकि फोन का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाता, नहीं लेकिन फोन उसका जब्त किया, लैपटॉप को जब्त नहीं किया, मानवी मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों को पिछले 70-75 दिन से टीवी पर सुन रहा हूँ इन्हीं सारी चीजों को लेकर, पहले कहा गया नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, ये सारे फिल्म स्टार बड़े बड़े परिवारों के ये मिलके बाहर से आने वाले को इस्टैब्लिश नहीं होने देते, ऐसे में छोटे शहर से आया लड़का मर गया, फिर ये कहा गया कि साहब नहीं ये तो रिलेशनशिप्स का कुछ मामला था, डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई, अब अचानक आप ये कह रहे हैं कि साहब आप ड्रग्स का एंगल क्यों छोड़ रहे हैं, जाँच ड्रग्स की नहीं हो रही थी ना मानवी, जाँच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हो रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हो रही थी नेपोटिज्म के लिए, मैं Nepotism was not, see, he was not into depression, ये तो मैं आज भी बोलती, he was not into depression, हाँ ठीक है उसको nepotism था, लेकिन nepotism वो झेल गया, वो हर चीज को इग्नोर कर गया, और वो अच्छा। अपनी काबिलियत की वजह से जो भी मुकाम पे पहुंचे सुशांत पहुंचे, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ रिया का फोन जब्त कर लेते तो उसी में ड्रग्स का एंगल आ जाता, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है, जैसे दिशा की मौत भी इंटर रिलेटेड है, ऐसे ये भी इंटर रिलेटेड है, बिकॉज ये उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, ठीक है रिया उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, तो हर चीज की जांच करनी थी ना टाइम पे, अगर जो परिवार कह रहा है वही आप भी कह रही, तो आज कुछ ना कुछ हल में हो जाता, और ये सारी एजेंसीज को जो एजेंसीज है उनको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। ओके ओके, श्रेया नारायण कुछ कह रही है, आप कह लीजिए श्रेया जी, फिर रवि श्रीवास्तव और उषा पांडे आपके पास आ रहा हूँ, श्रेया जी आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये ड्रग एंगल की बात आई है वो इस बात से आई, सुशांत के डेथ केस से ही रिलेटेड है, क्योंकि सुशांत ने मर्डर, सुशांत का मर्डर हुआ या उसकी सुसाइड हुई, ये पहले एंगल आया, राइट, तो सभी लोग कह रहे थे कि भाई सुसाइड हुआ है, अब सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, उनको साइकेट्रिक ड्रग्स दिया जा रहा था, साथ में क्या उन्हें नारकोटिक्स ड्रग्स भी फीड हो रहा था, ये व्हाट्सएप चैट से निकला, अब व्हाट्सएप चैट से जब वो बात निकली तब एनसीबी जो है उसमें आई, ये ईडी ने निकाला व्हाट्सएप चैट्स, उसके बाद एनसीबी आई, तो सीधा ड्रग एंगल जो है उसके ऊपर इसलिए नहीं बात हो रही है, वो सब एक के एक साथ गुत्थी जुड़ी हुई है, तो हम सही जगह पे जा रहे हैं, ये एनसीबी ने जो उसके पास डिटेल्स आई होंगी वो सीबीआई से भी शेयर करेगी, तो ये ना सोचे कि सिर्फ ये ड्रग की बातें हो रही है, ओके है ना। उरुषा पांडे आपको लगता है रिया की गिरफ्तारी ब्रेक थ्रू है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में, रवि जी अभी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए उरुषा पांडे। तो मैं एक्चुअली मैं रिया या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुशांत के जो पिता है जो फैमिली है उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने 34 इयर्स के एक बच्चे को खोया है, तो ये तो किसी का लॉस नहीं है, ये सबसे बड़े उनकी फैमिली का लॉस है, और ये जो नेपोटिज्म एंड ये सब इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत एक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम जस्टिस के नाम को लेकर आ गए और आपने कहानी बताने लग गए, तो ये नेपोटिज्म इसलिए आया, नेपोटिज्म वरना सुशांत के लिए नेपोटिज्म कभी फर्क पड़ा ही नहीं था, वो तो बैकग्राउंड डांसर से हीरो बन चुका था, उसके लिए नेपोटिज्म कभी भी था ही नहीं,
ठीक, रवि श्रीवास्तव आप बार बार जोर दे रहे हैं 25 लोगों के जो नाम आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ड्रग्स कार्टेल का खुलासा किया जाए। जब कार्रवाई शुरू होगी तो आप ही कहेंगे इनको फंसाया जा रहा, देखो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है इनको। रोहित जी ऐसा है, मैं कभी भी किसी भी ड्रग लेने वाले का या उसका ट्रेड करने वाले पेडलर का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। आप उन्हें जरूर फांसी पे लटकवाइए और ये मेरी दिली इच्छा है। मेरा एक सिर्फ इतना कहना है कि कोई कोई ये जो आपके पैनल पे महिला आती है वो कहती है उस बच्चे को मार दिया, उस लड़के को मार दिया। अरे भाई 34 साल के नौजवान युवा थे, अपना अच्छा बुरा समझते थे, इतना वर्कआउट करते थे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, कैसे उनको कोई फुसला सकता है, बहला सकता है, ड्रग खिला सकता है? ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर, मैं इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं। और पांच पांच जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इंदुजा में वो एडमिट हुए थे, पांच रिकॉर्ड था उनका ड्रग लेने का, उनकी बहन ने पर्चा मंगाया दिल्ली से आरएमएल हॉस्पिटल से, जो कार्डियोलॉजिस्ट ने लिख के दिया, जो ओपीडी का पेशेंट बता करके फ्रॉड बना करके लिख के दिया, जिसकी कंप्लेंट कल रिया चक्रवर्ती ने दर्ज कराई है सीबीआई और मुंबई पुलिस के पास में। तो मेरा ये कहना है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें उसको बिना वजह दलील करके घसीट करके और परेशान किया जाए। और बता दूं, एक जो आपके एक और वकील साहब अभी कह रहे थे कि जो कैजान और बासित परिहार है वो दोनों अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर गए हैं और उन्हीं के स्टेटमेंट के बेसिस पर शौविक की गिरफ्तारी हुई थी, तो ये अभी शौविक की गिरफ्तारी भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये मामला अब मैं समझता हूं कोर्ट में गया है और ये अब लंबा चलता रहेगा और इससे कोई नतीजे पे ना पहुंचे कि ये हत्या का मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ अब ड्रग 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 और ड्रग का मामला रह गया है। मानवी बोलिए। एक बात और देखिए, मैं इनको यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ कि ये बार बार बोल रहे थे आरुण नासिर साहब, ये बोलने फिर आपके पास आऊंगा। बोलिए मानवी। ये डिप्रेशन का एंगल बोल रहे हैं, ये डिप्रेशन का एंगल तो है नहीं। इसको ड्रग्स जो ये ड्रग्स की बात कर रहे थे अभी मेरे से पहले जो बात कर रहे थे, वो ड्रग्स उसको पता ही नहीं है कि वो ड्रग्स दे रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है सुशांत को कि वो ड्रग्स दे रहे हैं। वो चोरी छुपे उसको ड्रग्स दे रही थी कॉफी टी या खाने पीने के माध्यम पे, तो जिसको पता ही नहीं है वो ड्रग्स ले रहा है तो वो अपने लिए क्या करेगा? ये कह रहे हैं ना कि वो 34 साल का लड़का है, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है। जब आप चोरी उसके खाने में या कॉफी में ड्रग्स डाल के दे दोगे उसको क्या मालूम है? और जहां तक कि डिप्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं मानते कि सुशांत को डिप्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं मानती, और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और ये साबित नहीं हुआ है कि सुशांत को डिप्रेशन है, बिकॉज कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि सुशांत को डिप्रेशन है। हल्के फुल्के टेंशन को ये डिप्रेशन बोल देते हैं, पहले तो ये क्लियर कर लें कि क्या है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। थोड़ी सी टेंशन तो हर आम आदमी को होती है, आप टेंशन को डिप्रेशन बोल देते हैं। टेंशन और डिप्रेशन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। डिप्रेशन दिख जाता है शक्ल से और कैमरे से कुछ नहीं छुपता। अगर बंदा डिप्रेशन में है वो कैमरे में कैप्चर होगा। ओके, मैं नासिर साहब के पास जा रहा हूँ, उसके पहले श्रेया शरण कुछ ऐड कर रही है। एक सेकंड, श्रेया शरण कुछ ऐड कर रही है। बोलिए श्रेया शरण। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो सुसाइड की स्टार्ट हुई थी फिर ये हो गया। सी द कोर्ट सेज दैट एफआईआर इज नॉट एन इनसाइक्लोपीडिया, इट इज जस्ट समथिंग टू स्टार्ट विद एंड आफ्टर दैट वेरियस एंगल्स कैन अनफोल्ड। तो ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि अब सब सिर्फ ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन रह गया, दिस इज द फनीएस्ट थिंग। एनीबडी हु इज लिसनिंग टू हिम विल थिंक दैट ही इज जस्ट यू नो स्पीकिंग आउट ऑफ हिज हैट। एफआईआर व्हेन इट इज लॉस्ट इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर दैट एनी एंगल कैन अनफोल्ड एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, कुछ लोगों को लगता है ये ड्रग्स पर आ गया मामला खत्म, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ ड्रग्स में गिरफ्तारी हो गई और यहीं से असली जांच शुरू है। नासिर अब्दुल्ला बोलिए अपनी बात। अब जहां तक मुझे अभी तक मालूम हुआ है, जो वो जो नारकोटिक्स जो जो अपना डिपार्टमेंट है उन्होंने साबित उनके साथ में कर दिया कि रिया ने ये बात एक्चुअली कही है कि दोनों मिलके वो ड्रग्स जो है कंज्यूम ये अपना करते थे, जो भी मारवाना हो या जो भी। तो अब एक बात और सुन लीजिए, पहले रिया ने झूठ बोला था कि मैंने नहीं लिए, अब वो मान गई हैं कि मैंने लिए हैं, दोनों एक साथ ही लेते थे, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल था, ये उन्होंने पहले कहा था। तो काफ़ी अरसे से वो ले रहे थे, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका अंजाम बुरा होता है। जो इंसान ज़्यादा इस चीज़ में जाता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग दारू की वजह से
हशीश की वजह से, ओपियम की वजह से अपना जो करियर है, अपना वो जो संतुलन है वो फिर खो बैठते हैं और कुछ हद तक बर्बाद हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, कोई मतलब उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि दोनों लेते थे और सुशांत सिंह दूध पीते हुए बच्चे नहीं थे, ये हमेशा याद रखें। और दूसरी बात ये, अगर आपका बॉयफ्रेंड ड्रग मंगाता है, जैसे कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं अपनी बीवी से बोलूँ एक बोतल दारू की आज मंगवा, तो वो बेचारी मंगवाती है, ड्राइवर को बेचती है, नौकर को बेचती है, खुद लेती है, अपने बदन को बेचती है, अगर उसके पास में पैसे ना हो कि भैया इसका दारू का काम हो जाए, तो वो भी फिर मतलब ये कि खिंच जाती है और वो भी इस दायरे में आ जाती है। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, आप अपने तर्कों में थोड़े ज्यादा दूर चले जाते हैं। अच्छा ये यूज करते हो, पूरा लूट खाइए, हर जगह से उसको लूट खाइए। हमने तो ये भी पता लगा था कि उसने घर की सामान बेच दिया, घर में जितना सामान था वो सामान बेच दिया और कह रहे हो कि अपने जिस्म को बेच दिया। और पहले तो खुद उसने बोला है चैनल पर जाकर के, खुद उसने बोला मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है, अब कैसे कबूल लिया कि हम दोनों लेते हैं, इसका मतलब झूठी एक नंबर की। नेशनल टीवी पे रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि इसमें तो बोला कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत लेती है। लेकिन आप क्यों कबूल कर रही है, आप क्यों कबूल कर रही है, जो लड़की ऑलरेडी एक झूठी है, जो लड़की ऑलरेडी झूठी है, आप उसके स्टेटमेंट पे नहीं विश्वास करती। सुशांत चला गया, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, सुशांत चला गया, हम उसकी स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते कि वो बोल रही है सुशांत ड्रग्स लेता है। जो लड़की का सच झूठ सामने आ गया, सच्ची है नहीं, एक बार झूठ सामने आ गया, हम बिल्कुल भी उसकी स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, एक सेकंड रुकते, विश्वास नहीं कर सकते। उमाकांत जी परेशान हो गए आप लोगों के झगड़ने से, एक सेकंड रुकिए ना, नहीं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते उसकी स्टेटमेंट में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने क्या कहा, आज तक ने बात की उनसे, आप लोगों को भी सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत लंबा चलेगा ये, और तीन भारत सरकार की एजेंसी अलग अलग मामले को देख रही है, ईडी देख रही है वो अपना विषय से संबंधित मामला, एनसीबी देख रही है अपने विषय संबंधित मामला, सीबीआई अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत के सो कॉल्ड सुसाइड का। तो अभी तो ये एनसीबी के द्वारा ड्रग या ड्रगिस्ट ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन के रूप में हमको तो डिटेल भी नहीं मालूम है, आप ही सूचना मिली तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, तब इतना तो पता चल रहा है लोगों को कि जो अपने को बहुत इनोसेंट प्लीट करते थे वैसे लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं, इमोशनल स्टेटमेंट देने वाले अपने को इनोसेंट प्लीट करने वाले लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं, तभी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी को एक तो आप कैसे किस तरीके प्रकार देखते हैं, दूसरा क्या ये हत्या की तरफ जो आशंका जताई जा रही थी सुशांत राजपूत के को लेके हत्या का मामला हो सकता है, तो ये उसी की तरफ बढ़ता देखिए, चूंकि ये केस सीबीआई अनुसंधान कर रही है इसलिए इसमें बीच में हम लोगों जैसे जिम्मेदार आदमी का बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब इससे तो बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ भी कनेक्शन था, वो ड्रग लेती थी, अब वो बोल रहे हैं कि हम इसके लेते थे, उसके ले लेते थे, किसके ले लेते थे, तो मैं तो उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उनका ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हुआ, प्रूफ हुआ, तभी तो एनसीबी ने गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस को शुरू से ही इस प्रकार की आशंका, ये शक, देखिए बिहार पुलिस को नहीं पूरे देश को लगता था कि मामले में कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई मिस्ट्री है, पूरे देश को लगता था, बिहार पुलिस का और बिहारियों को क्यों कहते हैं सुशांत के और बिहार का बेटा, पूरे देश को लगता था, पूरे देश की संवेदना जुट गई थी, पूरे देश के लोग जानना चाहते थे कि आखिर इसमें क्या मिस्ट्री है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है तीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें लगी हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, तो चीज़ें आ रही हैं, अभी तो बहुत चीज़ें आनी हैं, साथ साथ मुंबई पुलिस की कलाई भी खुल गई। मुंबई पुलिस पर मेरी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है ज़्यादा, मैं जितना काम की बात है मैं बोल चुका हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, हम लोग को धीरज पूर्वक इंतजार करना चाहिए। ये तो बिहार के डीजीपी जो कि बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है निश्चित रूप से और भी आगे मामला सामने आएगा। कैमरामैन नदीम आराम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
तो सुना आपने, गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं, हालांकि जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए हमारा इस मामले में किसी भी तरीके का कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसी के बाद ये पूरा मामला आज यहां तक पहुंचा है। उमाकांत मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि आज इस मकाम पर जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ड्रग केस में हुई है, इसको सुशांत की मौत के मामले से जोड़कर देखना उचित है? मिश्रा जी, जी अभी तक एक लिंक की पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप जो कह रहे हैं एनसीबी की जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन है और सीबीआई की जो होमिसाइड या सुइसाइड का जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एक लिंक में देख सकता हूँ कि बन सकता है, क्योंकि अभी मामला एम्स के पास जाएँ, जो विसेरा वगैरह जो उन्होंने एग्जामिन करेंगे और जो अदर केमिकल्स, जो अदर पॉइजन्स जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, उसमें अगर कोई ट्रेस क्वांटिटी, अगर कोई ड्रग्स मिलता है, तो ये जो एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन जो है एक नए सिरे से एक तुर पकड़ सकता है, यही लिंक में देख सकता हूँ। दूसरा जो है, आज रिया की जो अरेस्ट के साथ एनसीबी का एक इन्वेस्टिगेशन का पड़ाव खत्म हुआ, उसके बाद जो फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस जो हुआ होगा, और उसी में जो अभी देखिए, जो अभी रिसेंटली जो दो दिन पहले जो सीजर हुआ अनुज के पास से, इससे ये लगता है कि वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसके जो डाटा रिट्रीव हुआ होगा ये होगा, और इसी जो पहले जो रिया के जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जो फॉरेंसिक डाटा का होगा, उसी में जो सारे आए होंगे वो एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कारण बनेगा, और यही मैं देख सकता हूँ अभी। विकास गुप्ता जी, कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि मामला यहाँ खत्म, जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रग के केस में रिया गिरफ्तार हुई, जमानत हो जाएगी, मामला अब ड्रग की जांच पे चलेगा। कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा, कि अब पहली गिरफ्तारी सही तरीके से रिया चक्रवर्ती की भले 10वें नंबर पर हुई, लेकिन यहां से असली जांच शुरू होगी। रोहित जी, अगर सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये हत्या नहीं और आत्महत्या थी, तो इससे क्यों तकलीफ होनी चाहिए लोगों को? क्यों लोग सिर्फ यही धारणा बैठ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या रिपोर्टिंग करते हैं कि ये मर्डर ही है? आप मुझे बताइए, हमें सत्य तक जाना है। क्या सत्य आत्महत्या पर अगर आके खत्म होता है और ये निष्कर्ष सीबीआई निकालती है, तो क्या ये हमें दुख देने वाली है? क्या हम किसी एजेंडा के तहत रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं सुशांत का मर्डर ही हुआ होगा, ये हुआ होगा? क्या नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर सुशांत की आत्महत्या का निष्कर्ष सीबीआई निकालती है और अबेटमेंट टू सुसाइड पे भी नहीं आती, तो क्या ये सच समाचार होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताइए। ठीक, चलिए देखते हैं सर ये चीजें कहां तक आगे जाती हैं। लास्ट कमेंट मानवी कुछ करना चाहती हैं फटाफट से, एक छोटा सा। हाँ जी, नासिर साहब को ये बोलना चाहती हूँ कि नासिर साहब, अब रिया का केस हो गया खत्म, अब एक्शन की बारी है और एक्शन हो के रहेगा। चलिए देखते हैं एक्शन कहां तक जाता है। लगातार आज तक आपको इस मामले में हर एक्शन की खबर दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है, सबसे सटीक दे रहा है, बिना किसी पक्ष या बिना किसी विपक्ष के एकदम निष्पक्ष तरीके से दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। इस वादे के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कवरेज लगातार जारी है, आप देख रहेगा आज तक इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।